और आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद पहली बार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर को भसार सुविधा की सौगात मिली है। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उद्घाटन कर माल ढुलाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को इसके लिए प्रयास का श्रेय दिया। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में कस्टम सेवाओं का लंबे इंतजार के बाद भव्य शुभारंभ किया गया। बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर में LCS बना है, जो देश का 120वां और बिहार का 12वां लैंड कस्टम स्टेशन है। उम्मीद जताई जा रही है कि पड़ोसी देश नेपाल के साथ बेटी रोटी के रिश्ते के बाद अब इस लैंड कस्टम स्टेशन से व्यापारिक उद्देश्यों को मजबूती के साथ रोजगार बढ़ने के भी आसार हैं। इसी मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इससे दोनों देशों का व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने आगे कहा कि आज मोदी सरकार में हम व्यापार के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से उसको मैं श्रेय जाता है सतीश दुबे जी को, जिन्होंने अथक प्रयास से और हम लोगों ने उसमें डिपार्टमेंटल काम करके LCS का यहाँ एक उद्घाटन किया गया है, और इससे मुझे लगता है कि भारत और नेपाल दोनों लोगों की जनता को इसका लाभ मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। अगर इस कमजोर पड़ता है तो इसके लिए नया सिरा से काम करेंगे हम लोग, और 727 उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट जुटे इसके लिए भी वर्क करके इस कस्टम ऑफिस को बड़े पैमाना पे, जिस तरह बीरगंज चलता है आपके बगल में उत्तर प्रदेश में चलता है, उस स्तर पे लाना है। इसमें बहुत से कामें करना है जो काम भविष्य में हम लोग करेंगे। इसमें मैं दो चीज़ों को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक तो ठीक है जो कस्टम का यहाँ पे कार्यालय खुला है, यहाँ से लोकल लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार का अवसर सीजन होगा, तो ये तो अपार हर्ष की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे मेजर बात जो आपने कहा है कि क्रेडिट लेने वाली बात, तो 2013 में आप देखे होंगे माननीय बैजनाथ महतो जो जदयू के सांसद थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम 2013 में पत्र लिखा गया था, और उन्हीं के पहल पे और हमारे वाल्मीकि नगर के एक समाज सेवी थे सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता जी, उन दोनों के पल से, चूंकि समाज सेवी थे, उन्होंने यहाँ लोकल जो समस्या थी भंसार का जो लोकल समस्या था उन्होंने उठाया, और सर्वप्रथम 2013 में माननीय हमारे पूर्व के जो सांसद थे जदयू के बैजनाथ महतो जी ने इस चीज़ को उठाया था लोकसभा में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कस्टम भंसार का जो पहल हुआ, या कस्टम भंसार खुलने का जो आप बोले कस्टम का भंसार खुला जिसका ओपनिंग हुआ था।